हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो मैं बना रही हूँ फ्लावर की सब्ज़ी। तो उसके लिए देखिए, अदरक लहसुन प्याज टमाटर ले लिए है, इसकी पेस्ट बना लूँगी। तो आज नई तरीके से मैंने फ्लावर की सब्ज़ी बनानी है। फ्रेंड्स, हमें बनानी है मटर और फ्लावर की सब्ज़ी। सबसे पहले हमें फ्लावर को अच्छे से फ्राई कर लेना है। अभी हमने फ्लावर निकाल लिए, उसी कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। उसमें मैं अभी थोड़ा सा राई डाल दूंगी, जीरा डाल दूंगी और मैंने अदरक लहसुन प्याज की पेस्ट बना के डाल दूंगी। मैंने पेस्ट डाल दिया, अभी मसाले डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी, ये सब कुछ डाल देना है, गरम मसाला। और इसमें थोड़ा सा हमें पानी डाल देना है तो अच्छे से ऑयल छूटने लगेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पानी डाल दिया थोड़ा सा, ऑयल छूटने तक इसे पका लेना है ना। देखो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑयल छूटने लगा है। फिर इसमें मटर डालूँगी और 5 मिनट के बाद फ्लावर डालूँगी। तो ऐसे ना, किसी को सूखी सब्जी पसंद नहीं तो इस तरह से आप बनाओगे ना तो ज़रूर पसंद आएगी। तो इसमें देखिए मैंने फ्लावर भी डाल दी है और नमक डाल दिया, और अभी ना 10-15 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी फ्लावर की सब्ज़ी बनके रेडी है। तो आप ज़रूर ऐसी सब्ज़ी बनाना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सभी को जय माता दी। तो फ्रेंड्स, आज मुझे है सारे बर्तन क्लीन करने हैं, और आप देख सकते हैं जो डिब्बे हैं उसके भी मैंने कवर निकाल लिए हैं, वो भी धो लिए हैं मैंने। यहाँ पे देख सकते हैं सारे जो साड़ी के कवर है वो धो लिए मैंने कल ही। तो डिब्बे ना कल वॉश करूँगी। तो नया घर में हम जाने वाले हैं, तो उससे पहले सारे बर्तन मैं क्लीन करने वाली हूँ। तो ना ज़्यादा ख़राब नहीं, आप देख सकते हैं, मगर फिर भी मुझे लगता है कि बर्तन क्लीन होना चाहिए। और छोटा घर हो या बड़ा घर हो, मगर साफ़ सुथरा होना चाहिए, बस मेरा यही मानना है। तो पहले अभी सारे बर्तन निकाल लेती हूँ और फिर स्टील के रैक के जितने भी बर्तन हैं वो निकाल लूँगी, सारे क्लीन करने हैं। और स्टील का रैक भी क्लीन करना है, वॉश करना है। तो आज दोनों बच्चों को छुट्टी थी तो मैंने सोचा आज क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अभी 2 दिन में रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन के दिन तो मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा। और इसके पापा दोनों बच्चे घर पर रहेंगे ना, इस वजह से, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब भी घर पर होते हैं ना तब ना बहुत ज़्यादा देर हो जाती है काम करने में, क्योंकि वो लेट से उठते हैं तो सारी काम लेट से ही होती है। और यहाँ पे देखिए स्टील का रैक अच्छे से क्लीन कर लूँगी, वॉश कर लूँगी। और नए घर में जाने से पहले जितने भी बर्तन हैं मेरे वो क्लीन कर लूँगी। हो रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप कभी छाव, ऐसा ही हो रहा है। तो ठीक से बारिश भी हो नहीं रही है, ठीक से धूप भी आ नहीं रही है, कुछ भी नहीं। तो इसकी वजह से ज़्यादा लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ना, आप जो वीडियो देखते हो 5-10 मिनट का होता है, मगर उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो एक दिन पूरा वीडियो बनाने में लग जाता है, दूसरे दिन 2-3 घंटे एडिटिंग में हो लग जाते हैं। तो इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मेहनत है। वो बोलते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। तो फ्रेंड्स, 2 साल से मैं मेहनत कर रही हूँ। जय राणा मेरा एक चैनल है, वहाँ पे भी मैंने 1 साल मेहनत की, और यहाँ पे तो 1.5 साल हो गया, 1 साल से ऊपर। यहाँ पे भी बहुत मेहनत कर रही हूँ, मगर फल तो अभी तक मिला नहीं है, कब मिलेगा पता नहीं। तो बस आप देखिए सारे बर्तन क्लीन हो गए हैं, और मेरे पास इतने ही बर्तन हैं। और अभी जो हमने
किराए का मकान लिया है, तो वहाँ पे तो ज़्यादा जगह भी नहीं बर्तन रखने के लिए। फ्रेंड्स, इस मकान में मुझे 3 साल हो गए थे, क्योंकि हमने रक्षाबंधन के एक दिन पहले ही इस घर में आए थे हम 2020 में। तो यहाँ पे देखिए, रैक लगा दूँगी और सारे बर्तन लगा दूँगी। तो राना भी हेल्प कर रहा है मेरी, तो बोल अभी तो स्टील के बर्तन तो क्लीन कर लिए हैं, अभी बाकी है डिब्बे। तो जो अलूमियम के डिब्बे हैं, स्टील के डिब्बे, वो क्लीन कर लूँगी। नए घर में जाने से पहले सारे बर्तन क्लीन कर लूँगी। तो हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे बर्तन साफ कर लिए हैं, क्लीन कर लिए हैं और लगा भी दिए हैं मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगा भी दिए हैं बर्तन, और अभी दोपहर के 2 बज गए। ठीक है, तो सुबह से 10 बजे से मैं लगी हूँ साफ सफाई में, तो 10 बज गए। और यहाँ पे मुझे पसीना, देखिए सारा पसीना आ रहा है मुझे फेस पे, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बारिश भी नहीं आ रही है ठीक से, बारिश भी हो नहीं रही है और ठीक से धूप भी नहीं आ रही है, तो इस वजह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो। तो यहाँ पे देखिए, जो मकड़ी का जाला होता है वो निकाल लूँगी। वैसे तो मेरे घर में जाला रहता ही नहीं है, मगर फिर भी थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि ना जाला बहुत ही हमें दिखता नहीं है, वो जाला भी निकल आता है। और ये झाड़ू बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो मुझे नया झाड़ू भी लाना है। नए घर में जाओगी तब तो।